उदल राजा स्टूडियो प्रेजेंट्स। ए नारायण हो ए गणा तो दान मेरे आया मम बाले बॉय उदल राजा स्टूडियो तो आया आया मामी जी का तुहारे द्वारी रे बाण जा मारा रे हाँ वो साडू का जाया हाँ तेरा तो लड़वा का कलाड़े नारायण रे उदा जी हाँ आज तो पीलावे काचो दूध पीलावे नारायण तने तो पीलावा काचा दूध हाँ जहो ए थारा केरा तो लाड़े लाड़ी रे साडू का जाया हाँ हाँ वो नंद बैकाला ये अना तो दीना में आया माली वे जेंटी बॉय उदल राजा स्टूडियो सहा बाबी जी ये तेरा वो लड़ावे देव गाड़े वो ये लड़ावे ये बाबी जी तेरा तो लड़ावे देव गलाड़े वो हाँ अभी पावे पावे श्री देव नारायण भगवान की जय। नानी भाभी दूजा घर से दूध लेने आई देखो जो है हाँ। भगवान ने कहे कि गणा दिन में आयो मारी नणंद भाई का लाल हाँ। गणा दिन में आयो नानी भाभी का बहारे ए बने जा हाँ। आसन लगाई दूं थारे आज महल में हाँ। पिलाई दूं काचो तू दे तेरा लड़ू था का लाड हाँ। और बंदे तू थारे देख सुन ले माँ की पालनो नाना सुन ले ध्यान लगाइए थका लाड लड़ावा मामा मालवा के आइए हाँ सो ब्राह्मण हाँ। और एक बाणे आज आयो देखो नानी मामी के द्वारे बाकी भगवान के वे की हेली मोटी मामी के तो सोई कीड़ी एक दर्द हाँ। पर यह बाणे की बात आज आई धन्य हो नानी मामी दूजा घर से दूध पिलाया हाँ। देव नारायण ने मन में ठाणी की मोटी मामी अब तो कर लिया ऐसा काम हाँ। एक दिन धनुगा प्रभात गेंद को खेल खेलवा ला गया लागे एक अड़ी तो सभी देखो बालक हाँ। एक अड़ी देव नारायण भगवान जान बुझी ने देखो मोटी मामी का महल में गेंद मारी जय हो उठाई गेंद और मारी मामी का महल में हाँ। देखो मार से उड़ी गेंद मामी का महल में आई
खंबा से तो देखो टकरानी और वहां से खिसली आई की देखो हाथ के ऊपर जनी हथी का दांत को चूड़ू थो मामी के हाथ में हथी का दांत का चूड़ा देखो जो है टुकड़ा हो गया चाहरे चूर चूर होइयो हाथ को चूड़ो मामी बैठी थी मेला के ये कहीं तो मामी के बे कहीं देवनारायण सुनवा लहक जावे ए बने जा हमारा मन में शराब नहीं आवे डांडो काटी ने वहां लागियो बाकी रोज रोज का अलूबा लावे लावे गोड़ा गोड़ी खपई दिया वाछरू दान में दियायो रसो गेंद को खेल को खेलियो जो मेल में गेंद मारी मेल का खंबा खिस गया और वहां से फिसली रे तो गेंद आई के हाथ के ऊपर देखो चूड़ो फूटी हो मारा देखो टुकड़ा हो गया कहीं तो देखो मामी केवे ऐसा जो गेंद को खेल खेलियो है तो चलियो जा सुनना पड़िया थारा बाप का खेड़ा चौसला कहां बे ए पड़ी उजड़ भूमि वनने जाइने बसावो नाना वठे बसावो वा गाया ले जाओ संग में गुआल ले जाओ जत्रो खेल गेंद को खेलनो वे नी उठा की बाप की बॉम्ब पर खेल जो सुनो बाकी बहाते ये मामा मालवा में ऐसा उल्टा काम करो बने जा का मन में शर्म नहीं आवे लजावो माता सिल्वर साड़ू का तू दे सुन ले माँ की बहाते ए बने जा सब पगड़ा बत मारिया गया सब गुजरिया सती वहीगी उजड़ पड़िया था का खेड़ा वी तो याद नहीं करे या रोज घोड़ा घोड़ी खपावे और रोज गेंद का खेल खेले रोज का लुप्पा लेने आवे मामा जी के पास में भगवान देव नारायण यह बात देखो मोटी मामी के वे पड़ी की तन बदन में आगे राता होइया लहाले जावेद भगवान साडू के पास जावे माता साडू के वे की नाना भोजन कर ले भगवान के वे की भूख नहीं है जय हो पानी पीले नाना देव नारायण भगवान के वे की प्यास नहीं है अन्न खावे ने कहीं पानी पिए तनु का प्रभात उदार से बैठो भगवान श्री देव नारायण साडू माता के वे धनुगा नाना आज कहीं संकट पड़ी हो कड़ी बोलती कड़वी आज आज उदास उदास नगे आवे कहीं थारी तबीयत अच्छी है कि खराब भगवान देव नारायण केवे के नहीं मा सुन मा की नहीं तो कोई संकट है ने अन्न को खावा पिया को टेंशन बाकी खाली एक बात को टेंशन है यह बता कि तू एक मारी माँ है और माँ अपना बेटा से कभी झूठ नहीं बोले कि नाना है नहीं आज जरूर कहीं न कहीं तो दाल में कालो है जय हो अभी तक अत्रो उदास नहीं थो आज उदास बैठो कहीं संकट पड़ी हो या फिर मोटी मामी ये कहीं कड़वी बात बोल दी देव नारायण भगवान के वे की माँ सुन मारी अपनो काम का है और कहां उजड़ खेड़ा पड़िया जनकी बताई दे माने बहाते साडू माता केवे की गांव तो अपनो न्या है और कहां का उजड़ खेड़ा की बात करे अरे यो कहीं मेल अपनो उजड़ थोड़ी है अच्छा सुकून सी जीवन बिताई रहा कणी बात को संकट को नी ऐसी एड़ी टेड़ी बात क्यों करी रो ये नी मां सुन मारी बहाते एक बाप का 24 बेटा सतमत वाला सभी भोज जन को और भी मारिया गया अब देखो बेकुंड में हो गया बड़का उजड़ पड़िया मारा बाप का खेड़ा चौसला सब गुजरिया सती वहीगी काहे खेड़ा चौसला काहे मारा बाप की बहुम जन के पता दीजिए मने बताइए माता साडू केवे की ऐसी बेंडी बात करे कड़ी बताया थारे समाचार कि माता ये तो मोटी मामी एक की मारे साडू माता के वे सुता जगाया सांप मामी थोड़ा दिन की और बात थी बाकी नी मालम मानी ये तो थी नहीं तो बड़ी बात बिगड़ जावे मामा मालवा के साडू माता के वे की नाना मामी तो है नहीं झूठ बोले अपनो तो गांव यो जे और कोई उजड़ खेड़ा चौसला नहीं पड़िया सुन ले माँ की ये अपना नाना जी मामा मामी राम जी की मौज है
फिर कणा खेड़ा की बात करे भगवान के वे की नहीं माँ मारा गला की आन सतपत बड़ा की मनड़ा की कई दे साची ये बजाऊंगा मारा बाप की बबोती खेड़ा चौसला के गड़गोठा जनका ओ माता मारी खाई लियो पी लियो मौज उड़ाई ली जीव का लड़ाई लिया लाड़ जी भर का पामड़ा नहीं आवे दूजी चाला कर ला तैयारी चाला गड़गोठा के साडू केवे की सुन नाना मारी मारी सेवा में कोई कमी रहेगी जो तू करी लो बेंडी बेंडी अगर तू ऐसी बात करे नी तो मर जाऊं कटारी मेल पे चढ़ू पड़ू टुकड़ा हो जावे आज तनु का ऐसी बात करी लियो यो तो अपनो गांव में अपना नाना जी ना मामा मामी कितना लाड़ प्यार करी लिया फिर भी तू कणा खेड़ा चौसला की बात करे सुन बाकी समय आने पे नाना एक दिन जरूर चलांगा खेड़ा चौसला के आज तने ये दिन क्यों याद आया कि माता नहीं आज छोटो नी में बड़ो हुईयो मामी ये बताया मने भेद सही बता कि उजड़ पड़िया के नहीं पड़िया माता साडू के वे की सुन नाना मारी अभी तक गणा दिन की यह बात छुपाई पर सच बताऊंगा पर तू हट मत पकड़ जे छोड़ दीजिए अगर हट पकड़े तो मैं नहीं बताऊं भगवान के वेगी बता तो हरी एक बाप का 24 बेटा गड़गोठा जन को प्रकट भया शंकर बोहला 9,80,000 गाय 1,444 12 साल की माया दीदी 12 साल की आ माया मंडी धरती पे लाख लाख का गोड़ा गोड़ी लाया 1,25,000 का जी एक दिन ऐसा आया कि जगदम्बा उतार लेने आई और मांगी लिया वणका प्राण जावे वचन नहीं जावे शीश काटी ने अर्पण कर दिया जगदम्बा ने खारी नदी का सब पगड़ा बद मारिया गया सब गुजरिया सती हो गई बेटा मैंने भक्ति करी माला सर में कमल का फूल में था का जन्म होया पापी राणा ने भूली भी सारी लई नहीं पियर मालवा के अगर आपे नहीं माने तो थारी मर्जी मारा गला की आण है नाना मत लीजिए गोठा को अगर समय आवेगा तो जरूर चलांगा पर आपे थारी उम्र छोटी है सुन ले ध्यान आज देख गोठा को नाम लेवे मारी छाती धड़ी का गणी छुपाती छुपाती लेने आई पियर के मामी ये झुक जागा या सुता अगर तू गोठा में जावे तो मैं मर जाऊं कटारी भगवान देव नारायण के बेके नहीं मैं गोठा में जाऊं मां जीवित नहीं रे अशोक कदी भी नहीं होवे जय हो देव नारायण भगवान साडू माता की यह बात सुनता के ठीक है मां बाकी अभी ज्यादा दिन मामा मालवा में नहीं रहागा समय आने पर यदि मैं कहूँ चालना पड़ेगा कि थोड़ा के दिन और बिताई लेना ना फिर जरूर चालांगा खेड़ा चौसला के उजड़ खेड़ा बसावांगा खेड़ा की कटार जे खेजड़िया हिरण का हटा जे वास बैठ जे गादी सभी बोझ की कर जे धर्म का भगवान ने विचार कियो अपनी माँ अपने नहीं जावा दे तो एक बार दिन सुतो सुख भरी काला गोरा भेरू का सुमरण लगाया हाथा जोड़ी करा विनती काला गोरा भेरू सुन जो ध्यान कागरोल का किला छोड़ी कंकाली का कहले ए आजो मामा मालवा के सुमरण लगाया देव नारायण का सुमरता काला गोरा भेरू आया कंकाली से देखो जो है कागरोल का किला छोड़ी और देखो काला का बाजे घुघरा गोरा का डिमरू बाजे आज देखो आधी रात का समय में आया कहीं तो पड़ी रो ना काम देव नारायण जिनकी दी जो मने जो सुमरण लगाया मामा मालवा के पल भर में था का हुक्म बजावा बताओ उदल जी भगवान के वे की है नी मां साडू ने मनाया उजड़ पड़िया खेड़ा चौसला बाकी अबे समय आईयो जावा को माता साडू नी छोड़े पियर मालवा नी जावे गढ़ गोठा के आप जावो सुसनेर नगर में है मारा कुल का छोचू वन्ने कीजो और वन्ने वहां सुसनेर थी वापस आवा की कीजो की देव नारायण करी रियो पल पल में यहां दे आप जावो देव नारायण ने लावो मामा मालवा से गड़ गोठा के काला गोरा भगवान देखो वहां से देखो अंतर ध्यान होया और चाल पड़िया आया सुसनेर के
सपना में देखो आया छोचू बाट के सुखभरी नींद सुतो बाट जी कई काला गोरा केवा लाग जावे सुतो कई बाट जी सुखभरी नींद नींद में से बेगा जागो जागो छोड़ दो सुसनेर नगर जावो थाका देव नारायण करी रिया पल पल में यहाँ दे आज देव नारायण बड़ा हो गया हाँ। मामा मालवा में वखो कटवक लेगी साडू माता सुनो ध्यान देव नारायण करी रियो पल पल में याद आप जावो देखो मालवा में हाँ। देव ने लेने आवो खेड़ा चौसला के उजड़ पड़िया उजड़ का बाप का खेड़ा चौसला हाँ। आई ने वापस बसावे ग्यारहवीं कला को या तो बात केता हाँ। बाट जी करे प्रणाम हो और देखो जनु का प्रभात देव का सुमर लिया नाम धन गढ़ी धन बाग प्रभु जी थारी लीला या परम बालक नहीं भगवान जन्मे साडू की गोद में आ तो बाट जी देखो जो होयो घोड़ी अश्वार हो जावे दुर्ला घोड़ा पेर बाट जी होयो अश्वार 80 बरस की उम्र डगमग डोले देव नारायण से केवा लाग जावे सुन माता साडू का लहले बने तो मारी बगड़े तो थारी नैया लगा जे बहुत से पहले बाहर रे अबे नी मालम का मामो मामा मालवा हाँ। का मारवड़ की धरती का मालवो का उज्जैन हाँ। अबे तू ले जाए तो ठीक हाँ। नी तो बाट में मरी हो तो गया काम से बाट जी चलता चलता एक नगर में आई अबे दनस्ता लागो हाँ। बाट जी घोड़ा से नीचे उतरो बगल में घोड़ो बांध दियो हाँ। हुई हो पारस पीपड़ी की नीचे उकमड़ा दिशा में नगर में सुतो बाट जी हाँ। सुमरण करे देव नारायण का अभी बने तो माँ की वगड़े तो थारी हाँ। काला गोरा की कृपा हुई हाँ। रातम रात बाहर जी ने पहुँचा दियो उज्जैन के कांकड़ पे गयो बाहर जी हाँ। तनुगा प्रभात आवे पानी की पणियारी पानी लेने के लिए तो कई बाहर जी के बा पानी की पणियारी थे लागो धर्म की हमारे पड़ी रो जरूरी आज उगता सूरज की कड़की बाजो नारे कान से आई जनकी बताई दो माने पणियारी केवे के उज्जैन नगरी की रेवा वाली हाँ। देखो सुनो मारी आई सर्वर की पानी भरने सुन ले मानवी मारी आप कठे से आया हाँ। और कहाँ जाई रहा जनकी बताई दो माने छुचू बाड़ जी केवे धन गड़िया धन बाग नारायण थारी लीला या परम पल भर में उज्जैन में आई या हाँ। नहीं तो आपने तो भरोसो नहीं तो की काम आलवो है काम उज्जैन है था को मामा जी को ऐसे ओ परदेशी पामणा पानी की पणियारी केवे की कहां से आया कि सुसनेर नगर से आया और मारे जानो दूधा जी खटाना के माता साडू मारवड़ की धरती से देव नारायण को लेकर देखो वखा में आई पियर मालवा के आज छोटो तो बालक बड़ो हो गयो घना दिन हो गया जन में देव नारायण की याद आएगी में मलवा आयो पियर मालवा के कठे है साडू का द्वार कठे अपन का मुकाम जन का पता दीजो मने मैं हूँ कुल का छोचू तो पानी की पणियारी केवे की उगमना दिशा में जाजो और वहीं पर साडू का द्वार रे बाड़ जी होयो घोड़ी अश्वार चलता चलता भगवान देव नारायण तो गायें चराने के लिए जंगल में जावे बाड़ जी पहुंची हो साडू सती के पास में अब अत्रोदन देव नारायण गायें लेने आयो कोनी अत्रे बाड़ जी घोड़ी से नीचे उतरियो गयो साडू सती के कहीं तो देखो बड़दावणी गावे खेचे तार शरीर को मुख में लेवे देव नारायण को ओ साडू जी हाँ। सुनो ध्यान कहिए घना दिन में आयो देखो बगड़ावता को छोचू ए 80 बरस की उम्र मारा मुंडा में कोनी बत्ती सी घनी दर्शन की लागी अभिलाषा कहां गयो बाळो देवे जनकी बताई दो माने आई माता साडू देखे तो आज देखो बाड़ जी आयो मामा मालवा के माइये साडू की नजर पड़ी हाँ। पड़ी की तन बदन में के। माता साडू केवे की जाजे थारो सतिया नाश बाड़ जी हाँ। जनी टाइम पे मैं वखा में आई हाँ। यो बालक छोटो तो जब तो मारा हाथे नहीं आयो हाँ। पर आज तू बना बुलायो बना माजना से आयो हाँ। आई तो गयो पर देव नारायण ने घना मुश्किल थी समझायो पाछो समझाड़ियो और अगर यो आयो है तो पाछो हिंकाड़ेगा
पाड़ जी भड़खावेगा, देव नारायण ने सुनावेगा गोठा का सामा, और देव नारायण हट पकड़ लेगा मानेगा कोनी। बाड़ जी लेने जावेगा गोड़ तड़ावत के, राणा जी ने मालम पड़ेगा यो तो मरेगा मारा बालक ने भी मराएगा। साडू माता झूठ बोले, ओ बाड़ जी देव नारायण तो घरे नहीं है, फिर कहा है कि बाड़ जी देव नारायण तो गाया चराने जंगल में गयो। एक काम करो, आप जंगल में चले जाओ और गणाधन में आया सुनो माँ की कहीं तो हाल चाल है गोठा का, जिनका समाचार दीजो मने बताइए, और कहीं आएगी देव नारायण की यादे। बाड़ जी के बे दन गड़ी दन बाग साडू जी सुन माँ की, आज तो हनी उजड़ पड़िया था का खेड़ा चोसला, उजड़ पड़िया वादल महले, मने घनी याद आवे एक बाप का 24 बेटा, बेकुंड में हो गया जनका वासे, आपकी गोदी में बालक का जन्म हुआ, यो बालक नहीं है 11वीं कला को, सपनों आयो आधी रात और सपना में आएगी देव की यहाँ दे। तो दनों का चाल पड़ियो मारवाड़ से आयो मालवा के, अब तो देव नारायण से मलुआ इन्हें समझाऊंगा ले जाऊं अंगड़ गोठा के। माता साडू के वे की तू ले जाए, तारो काम पहला करनो पड़े, नहीं तो हकीकत में तू देव नारायण से मले इन्हें भड़कावे तो देव नारायण माने को नहीं मारी जावे गढ़ गोठा के। ओ बाड़ जी आप गणाधन में आया, एक काम करो जंगल में जाओ देव नारायण का पता पूछी, देव नारायण ने दो साथ में आऊंगा, अत्र में आपका लिए भोजन बनाती हूँ। जय हो। बाड़ जी के बेगी कहाँ गए हो देव नारायण, कि सिद्धवाड़ा में चले जाओ वहीं पर गाया चरावे 11वीं कला को, निकट बन के वहाँ पे मड़ेगा देव नारायण, और देखो गुआ सुनो ध्यान, देव नारायण सिद्धवाड़ में नहीं गयो, फिर भी माता साडू ने मालम की यो सिद्धवाड़ा में जाएगा, जो सड़ जोगड़ी खाई जाएगा और यो मरी जाएगा तो देव ने मालम भी नहीं पड़ेगा कि बाट आयो तो के बाट की परछाई आई थी मालवा के। बाड़ जी होयो कोड़िया सवार आयो सिद्धवाड़ा के, देव नारायण तो गाय चरावे जंगल में, बाड़ जी आकर देखो सिद्धवाड़ा में घोड़ी से नीचे उतरियो, दो तीन हिला लगाया देव नारायण पे, देव तो आवाज नहीं पहुंची, कपेला पहुंची की 64 जोगनिया का कान के, तो जोगनिया आई ने देखे कणी देश को आयो मानवी, कपड़ा धोला काना मुद्रा शोभे था का, नेने बसियो था को, खाई लियो पी लियो मोज उड़ी ली, जीव का लड़ी लिया लाड, जीव हर का पापड़ा नहीं आवे दूजी। पाड़ जी के वे के आप कौन हो, कि 64 जोगनिया, कि 64 जोगनिया है पर न्या देव नारायण गाया चराने के लिए आयो नी, कि न्या कोई देव नारायण नी आवे ना ना सुन बाकी, न्या तो खाली अमीरा बाकी दूजा कोई आवे कोनी, आवे भी पाछा जावे कोनी, आवे तो था को नेने बसियो। थोड़ी देर लागी एक एक कोड़ियों करियो, जिंदा बाड़ जी ने सब जोगनिया खाई गई वाटी ने, जाए हो पाची चीते को छुपी गई जंगल के, अबे वांटी ने खावा लागी, पातालपुर से एक नाग देव करनिया काल्या नाग की बेटी छोचू बाड़ की एक पाली लई ने विकात में लगीगी, जिने पासली ने लई ने देखो विधि की विधान ऐसा पड़िया, वह चली गई पातालपुरी के,